हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नाकाबंदी के दौरान 1 किलो 900 ग्राम अफीम दूध के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। मंडार पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान नाकाबंदी तोड़कर भाग रहे मोटरसाइकिल सवार के कब्जे से 1 किलो 900 ग्राम अफीम दूध पकड़ने की सफलता अर्जित की। थाना अधिकारी कमलेश गहलोत के अनुसार मादक पदार्थों की हेराफेरी एवं तस्करी को रोकने के निर्देश के अनुसार लगातार पुलिस के द्वारा नाकाबंदी की जा रही थी, इसलिए बुधवार को नाकाबंदी की गई थी। इस दौरान रेवदर की ओर से एक मोटरसाइकिल सवार आता दिखाई दिया, उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन मोटरसाइकिल चालक वाहन को नाकाबंदी तोड़कर भाग ले जाने में सफल रहा। लेकिन नाकाबंदी की टीम को उक्त युवक की गतिविधि संदिग्ध लगने पर पुलिस टीम ने लगातार पीछा किया, जिसके तहत पुलिस को सरहद गुंडवाड़ा में जाकर सफलता हासिल हुई। वहां पर मोटरसाइकिल सवार को पकड़कर वाहन की तलाशी ली तो वाहन में लगा शोल्डर बैग खोलकर चेक किया तो उसमें अफीम का दूध पाया गया, जिसका वजन किया गया तो करीबन 1 किलो 900 ग्राम दूध पाया गया। इस पर पुलिस आरोपी ने नारायण लाल पुत्र देवाराम अंजना चौधरी निवासी गांव बंजारी थाना वल्लभ नगर उदयपुर को गिरफ्तार कर मामला NDPS एक्ट में दर्ज किया। पुलिस की इस कार्रवाई में रेवदर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह देवड़ा, मंडाल थाना अधिकारी कमलेश गहलोत, कांस्टेबल रंजीत सिंह, चूनाराम सैनी, भजन लाल रमेश कुमार का भी सहयोग रहा। ज्ञात रहे कि नवनियुक्त थाना अधिकारी गहलोत की ये सबसे बड़ी पहली कार्रवाई है। जागरूक टीवी के लिए मंडार से अशोक भाटी की रिपोर्ट।